हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमन रियल ब्लॉग क्लीनिंग चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गुड मॉर्निंग, सुबह के बजे हैं 5:30। तो दो दिन तक मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब रहा, बहुत ज़्यादा बारिश होती रही, लेकिन आज का मौसम बहुत साफ़ है, सुबह से ही साफ़ है आज का मौसम। तो 5:30 बजे अब अंधेरा रहता है, तो हम उठ गए हैं और हमने सोचा ये जो कपड़े रात के धुले हुए थे, कल 2-3 दिन से पड़े हुए हैं धुल के, तो सूखे नहीं थे तो टंगे रहे हैं 2 दिन से, लगातार हवा लगती रही तो अब सूख गए हैं। तो मैं उठा के रखे डिग्लिन को धूप में डाल दूँगी जब सुबह 7 बजे आ जाएगी। आज मौसम साफ़ है तो बस मैं ये बेड शीट सही कर रही हूँ, और इसके बाद जो कम्बल वगैरह बिखरे पड़े हैं तो उनको सबको सही कर दे रही हूँ। जूता चलो ठीक, मुझे क्या करना है। तो बस ये जो सारे कपड़े टंगे हुए थे ये सूख गए थे क्योंकि 2 दिन से टंगे हैं, तो बस इनको सबको समेट के पहले मैं रख ही दे रही हूँ। इसके बाद झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी, तो तार से उतारे ले रही हूँ सारे कपड़ों को और तय करके रख दूंगी। आज तो मौसम साफ है तो फिर आज सारे कपड़े धुल डालूंगी, और धूप भी तेज निकली हुई निकलेगी क्योंकि मौसम साफ है, बारिश हुई नहीं रात में। तो हम देखो जैसा भी होगा सुबह 7 बजे तक पता चलेगा कैसा मौसम है। वैसे तो साफ़ है क्योंकि बारिश हुई नहीं है। तो बस फ्रेंड्स, तो मैंने सब सारे कपड़े वपड़े बेड शीट सब सही कर दी है, और बाकी कपड़े जो टंगे हुए थे तार में उनको भी उतार के रख दिया है। बस इसके बाद मैं लगा रही हूँ झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद फिर लगाऊँगी पोंछा। तो मेरी झाड़ू लग चुकी है और अब मैं लगा रही हूँ पोंछा। पोंछा लगाने के बाद फिर उस पर नहाने जाऊँगी। तो मैंने कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट मंगाए हुए हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वीडियो को पूरा देखिए आप लोग। तो मैं देख रही थी बाहर का मौसम तो बिल्कुल साफ़ लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो अच्छा है, तो आज तो धूप निकलेगी निकलेगी। और बस जल्दी जल्दी पोंछा लगा रही हूँ। बस इसके बाद तब तक नल आ जाएंगे, फिर नहाएंगे धोएंगे और नाश्ते की तैयारी करेंगे फ्रेंड्स। और जो रात का पानी रखा हुआ तो उसको फैला दिया है, और बाथरूम साफ़ कर दूंगी बस झाड़ू से, उसी पानी को फैला के अच्छे साफ़ कर दी क्योंकि बहुत ज़्यादा काई लग गई है बाथरूम में। तो बहुत ज़्यादा काई लग जाए, जितना साफ़ कर दीवालों में भी काई लग गई है बरसात में, और पानी 24 घंटे बाथरूम में फैलता ही रहता है। तो ये रखी हुई थी मलाई, तो मैंने सोचा चलो इसका मक्खन निकाल लेती हूँ, काफ़ी दिनों से रखी हुई थी मलाई। तो बस मैं इसको ऐसे ही करके कटोरे में चम्मच से घुमा देती हूँ, कई जैसे आप रख देंगे कई काफ़ी दिनों की हो जाएगी, थोड़ा सा उसमें दही डाल दें 1 चम्मच और बस निकाल के रख दीजिए 2-3 घंटे के लिए। फिर इसके बाद चम्मच से कस के चला दिए तो तुरंत मक्खन निकल आता है। तो मैं इसी तरह से इसको चलाती जाऊंगी, बस निकल आएगी। और अगर आपको मिक्सी में निकालना हो तो आप मिक्सी में डाल दीजिए और मिक्सी चला दीजिए, ऊपर से पानी डाल दीजिए तो मक्खन ऊपर आ जाएगा तैर करके पानी से। तो इस तरह से निकाल सकते हैं आप लोग। तो बस मेरा ये मक्खन अब निकल आया, बिल्कुल चिकना हो गया। बस मैं डाल दूँगी पानी और इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी क्योंकि बॉडी लेस हो गया है। फ्रिज में देख सकते हैं आप इतना सारा मक्खन निकल आया है। बस इसको मैंने पानी डाल दिया, बस पानी से उठा करके अब इसको रख दूँगी और इसके बाद मैं पका लूँगी तो घी बन जाएगा। राम राम जी, आप सभी लोगों का सुमन रियल ब्लॉग क्लीनिंग चैनल में स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हों? मैं ऐसा कहती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा। तो मैंने कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज़ किए हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाए हुए थे जो कि सेल चल रही थी, रक्षाबंधन के
समथिंग मंगाए हुए थे मैंने, तो उसमें बहुत ही ऑफर चल रहा था तभी मंगाया हुआ था मैंने। तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप लोग देख पाएंगे कि मैंने क्या क्या ब्यूटी प्रोडक्ट मंगाया हुआ था ऑनलाइन। तो बस अब मैं नहा धो करके रेडी हो गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ, और इस तो मैं आपको ये ब्यूटी प्रोडक्ट दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया हुआ था, तो आप लोग देखिए आप। ये आई शेडो, ये देखिए मैंने ये आई शेडो मंगाया था। इसके कलर बहुत ही अच्छे थे, आप लोग देख सकते हैं। ये मुझे 200 रुपीज़ में मिला था, जिसमें ऑफ़र चल रहा था। ये ऐसे तो 240 का था, लेकिन ये ऑफ़र की वजह से ये मुझे 200 का मिला हुआ था। आप कहीं भी कलर यूज कर सकते हैं, कहीं डार्क कलर, लाइट कलर, इसमें कलर बहुत अच्छे अच्छे थे। ये देखिए, आई शेडो पहले, और इसके बाद मैंने दूसरा प्रोडक्ट मंगाया हुआ है। ये है ब्रश मंगाई हुई थी, ये 100 रुपीज़ की थी सारी ब्रशेस। मैं देख सकती छोटी बड़ी सब तरह की ब्रशेस थी इसमें। तो सारी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी फ्रेंड्स, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं और मंगा सकते हैं, क्योंकि इसमें बीच बीच में ऑफ़र चलता रहता है फ्लिपकार्ट में भी, मीशो में, और जो भी ऑनलाइन कंपनियां हैं सभी में बीच बीच में ऑफ़र आता रहता है। अब नवरात्रि में आएगा। ये मैंने मंगाया है कॉम्पैक्ट पाउडर, फेसेस कनाडा का है ये। ये सारी ब्रांड फेसेस कनाडा की हैं, ये देखिए। ये भी 200 रुपीज़ का मिला है मुझे ये कॉम्पैक्ट पाउडर। और ये है हाइलाइटर, ये मेकअप की चार चीज़ें हैं, तो ये मैंने मंगाई हुई थी। और आप चाहें तो और भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे ऑफ़र चल रहा था जब मैंने मंगाया हुआ था तभी ऑफ़र में। तो ये हाइलाइटर मंगाया था, कॉम्पैक्ट पाउडर मंगाया था, आई शेडो पैलेट मंगाया था, और ब्रशेस वगैरह मंगाई थी। तो इसमें लाइट और डार्क दोनों तरह के हाइलाइटर हैं, आप किसी भी तरह का सेट कर सकते हैं अपने फेस को, हाइलाइट कर सकते हैं।